नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, एक तरफ कोरोना का कहर है और कोरोना का कहर हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, बात चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे आपके हेल्थ की हो या आपकी दिनचर्या की हो। इकोनॉमी पहले से ही जिस तरह से विश्वव्यापी मंदी है, एक बार फिर और स्थितियां बिगड़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार से इकोनॉमी संभल नहीं पा रही है, कोरोना तो एक बहाना है लेकिन सरकार पहले से ही फेल थी, आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थितियां होंगी वो सरकार से संभल नहीं सकती हैं। तो चलिए पूरा मजमून आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। चीन के खतरनाक कोरोना वायरस से दुनिया भर में खौफ फैल रहा है, वहीं भारत में भी कोरोना वायरस अब तेजी से पैर पसारने लगा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़कर 126 तक पहुंच गई है, तो इसके चलते 3 मौतें भी हो चुकी हैं। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने देश में हाई अलर्ट जारी कर इससे निपटने के लिए तमाम अमला झोंक दिया है। देश में मॉल, सिनेमा हॉल के साथ साथ भीड़भाड़ वाले स्थानों को बंद किया गया है, जिसके चलते लोगों के सामने कामकाज का संकट भी खड़ा हो गया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2020 के लिए घटा दिया है। मूडीज के अनुसार इस वर्ष भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.3% रहेगी। कोरोना के चलते एक ओर जहां बाजार पर मंदी का असर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर सीएम कमलनाथ को अंतिम राहत भी मिल गई है। कोरोना वायरस को लेकर हो रही राजनीति के बीच राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर कहा कि सरकार को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जैसे अंडमान निकोबार में सुनामी से पहले पानी नीचे चला गया था, वैसे ही अभी सब कुछ नीचे गया है। न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि आर्थिक हालात भी खराब होने वाले हैं। अगले 6 महीनों में अकल्पनीय परेशानी लोगों को होने वाली है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वायरस को लेकर मैं पहले ही सरकार को चेता रहा था, पर सरकार उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं दुखी हूं, ऐसी बड़ी सुनामी आने वाली है जिससे करोड़ों लोगों को परेशानी होगी। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना खौफ फैला रखा है। देश में कोरोना के चलते 3 मौतें भी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर इससे निपटने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो चले आपने मजमून देखा, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र राजपुरोहित जी, कांग्रेस विचारक हमारे साथ में है, पंकज गुप्ता जी 40 के सेक्रेटरी हमारे साथ में है, अजय अग्रवाल साहब हमारे साथ में है जो व्यापारी संगठन के ही पदाधिकारी हैं, और सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा नेता है। सभी का स्वागत है। मैं एक बार अजय जी आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि पूरे ओवरऑल कोरोना का अगर बात करें मार्केट की, तो मार्केट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है? योगेंद्र जी देखिए, अगर ये कोरोना इम्पैक्ट है, हम तो ये कह सकते हैं हमारे कोर्ट में खाज वाला काम नहीं किया। अर्थव्यवस्था या हमारे क्या व्यापार जगत पहले से ही मंदी के दौर में चल रहा था, पर इस कोरोना ने तो हमारे व्यापार जगत की पूरी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ के रख दी है। आज जैसे अगर मैं मीडिया या एंटरटेनमेंट के क्षेत्र के अंदर हूँ, तो मैं कहूँ कि हमारे काम में तो more than 80% हम लोगों के सारे तो ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, और आने वाले समय के लिए भी हमारे जो आगे के लिए हम कहें काफी हद तक बहुत बुरा असर पड़ा है। बाजारों में कहें रौनक बिल्कुल गायब हो चुकी है। कोई भी किसी भी अगर ट्रेड की इंडस्ट्री की अगर अपन देखना चाहे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जूते हो, चाहे कोई से भी इस तरह की खरीदारी की अगर देखें, बाजार सुनसान पड़े हैं। आज मैं अगर एम आई रोड के ऊपर बैठा था तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संडे के दिन हम बैठे हुए हैं। एम आई रोड पे इतना ट्रैफिक चल रहा है, इतनी तेजी से ट्रैफिक चल रहा है, कोई ट्रैफिक मतलब आदमी को लग नहीं रहा कि आज अपन वीकडेज के अंदर कहीं बैठे हुए हैं। तो कोरोना ने छोटे से लेकर के बड़े व्यवसाय तक के लिए अगर पूरा कह सकते हैं कि व्यापार जगत को पूरी एक तरह से शटर्ड सा कर दिया, हम इसको कह सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट अभी आने वाले समय में कितना रहेगा ये अभी हम आकलन लगाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। जी पंकज जी, कोरोना देखिए ये एक बड़ी चुनौती है, और ये कोई किसी राजनीतिक दल का ना कोई देन है, ना कोई अकेला कोई इससे मुकाबला कर सकता है। ये मुझे लगता है कि एक समाज के सामने, दुनिया के सामने एक चुनौती है जी। लेकिन बात इकोनॉमी की जाए, जैसे अजय जी कह रहे हैं कि पहले से ही इकोनॉमी
बिल्कुल ऐसी पोजीशन में थी और उसके बाद यह आने से और स्थितियां बहुत मुश्किल हो गई, मॉल्स बंद कर दिए गए, भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं रह सकते। तो ये जो सीजन होता है, खासकर मैं इसको कोट इस वजह से करूंगा कि जब फसल आती है किसी भी किसान के पूरे साल भर में मार्च और अप्रैल मई तक, वो विवाह, अपने कोई पारिवारिक धार्मिक आयोजन, जो भी कुछ करना होते, 2-2.5 महीने का जो टाइम होता है किसान के पास में, वो इस वक्त करता है। और इसी दौरान अभी जैसे कि लोग बता रहे हैं या फिर डॉक्टर्स बताते हैं, बहुत जल्दी इस पे कोई नियंत्रण ये कह सके कि एक वीक की बात है, आप लोग सब सब्र रहिए, कोई कहना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कह सकता है। अभी तो जिस पोजिशन में हम लोग हैं, अगर ऐसे सब रहेंगे तो शायद हो सकता है कंट्रोल कर पाए। तो मार्केट, चाहे रिटेल हो चाहे दूसरे तरह के हो, बड़ा प्रभावित हो रहा है और कोरोना का ये असर है। तो किस तरह की तैयारी है व्यापार जगत की, या फिर अभी सहन करने के लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है इसका सामना तो करना ही पड़ेगा, क्या माने किस तरह की स्थिति है? देखिए, एक्चुअल में ये जो वायरस है ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ वायरस है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट मैं मान के चलता हूँ कि क्योंकि ये हर इंडस्ट्री को इसने प्रभावित किया है तो कुछ लंबे टाइम तक इसका रहेगा। क्योंकि इस समय जैसा आपने बताया, इस समय पूरी इकोनॉमी में पैसा आता है, पैसा निचले स्तर से होकर के आता है, किसानों से आगे परचेजिंग होती है, धीरे धीरे उपभोक्ता तक आता है, उपभोक्ता से आगे वापस व्यापार में टर्न होता है। तो हो क्या रहा है कि पूरी इकोनॉमी में पैसे का टर्न होना ही बंद हो गया, परचेजिंग बंद हो गई, केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी हो रही है। जो अभी कुछ टाइम बाद विवाहों का सीजन था, वो सारा सब कुछ, क्योंकि हर तरह का आयोजन लगभग बंद हो गया, हर तरह की चीजों की डेट एक्सटेंड कर दी गई और अभी इसका नहीं पता कि ये कितने टाइम तक इसका असर होगा। कुछ कहा जा रहा है कि इसका 30-35 डिग्री तक जब टेम्परेचर होगा तो ये काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा या इसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं। कहना मुश्किल है कि कितने लंबे समय तक इसका असर रहेगा एनवायरमेंट में। ये अभी इस पे भी शोध होना बाकी है कि एनवायरमेंट में ये जो वायरस है कितने देर तक सर्वाइव करेगा या कितने दिनों तक इसका असर रहना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हमारे राजस्थान में तो नहीं है लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें ह्यूमिडिटी साल भर रहती है और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ठंड भी रहती है। तो अभी पता नहीं कि किस तरह का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे भी रहेगा और किस तरह का इम्पैक्ट पूरे भौगोलिक क्षेत्र पे भारत के रहेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए एक बार देखना पड़ेगा कि आगामी 15 दिन के अंदर पता चलेगा कि क्या होना है। जी, तो चलिए, व्यापारी की चिंता, हमारे साथ दो सज्जन बैठे हैं जो ट्रेड से जुड़े हुए हैं और अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की। राजस्थान का तो देखे एक नायाब उदाहरण पेश किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और राज्य सरकार की तैयारियों से सभी दलों के नेताओं को अवगत कराया है कि हमारी ये पोजीशन है, इतने मरीज आए हैं, इतने लोगों को हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है, हमारी ये तैयारी है, ये डॉक्टर्स की टीम है, उनके सुझाव भी लिए गए हैं। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया है, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है कि इकोनॉमी जिस पोजीशन में जा रही है, मूडीज की रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है, उससे भारत की इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी होने वाली है और इकोनॉमी की सुनामी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे कि इकोनॉमी पे हमें कोई ना कोई सेफ ग्राउंड लेना होगा, व्यापारियों को भरोसा दिलाना होगा, लेकिन सरकार हमेशा इसे बहुत हल्के में लेती रही और कोरोना वायरस के चलते ये स्थितियां और खराब होने वाली है। मैं उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, ऐसा क्यों लग रहा है राहुल गांधी को कि इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हो जाएगी? देखिए योगेंद्र जी, उनके बयान को देखा जाए तो ये एक पुरानी चेतावनियों के लिए उन्होंने आगाह किया है कि हम पहले से ही देखिए आर्थिक रूप से कोई परिवार या कोई देश या राज्य सक्षम है तो वो आने वाली विभिन्न समस्याओं से आसानी से निपट सकता है। बिल्कुल सही है, इस वक्त भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिस कंडीशन पर जो चल रही है उस पर ये कोरोना का जो प्रकोप आया है ये अर्थव्यवस्था पर 2-3-4 गुनी मार कर सकता है, ऐसा भविष्य में स्पष्ट नजर आ रहा है। हमारे सामने जो व्यापारी बंधु बैठे हैं उन्होंने भी इस चिंता को जाहिर किया है। तो राहुल जी ने इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत बात बोली, उन्होंने बोली है कि भाई हम लोग आपको बार बार वार्न कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को आप स्ट्रांग कीजिए, उसके लिए कोई उदारवादी तरीका है या उदारवादी घोषणा है वो कीजिए। यदि अर्थव्यवस्था यदि हमारी डाउन है और ऊपर से कोरोना का प्रकोप है तो ये चिंता का विषय है और इसमें उन्होंने बहुत ही लाजमी जो सवाल किया है, ठीक है सवाल भी किया। और उन्होंने निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे देश के अंदर चाहे खुद की सरकार है या कहीं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हम पूरे तन मन से उनके साथ में है, जो भी उपाय कर रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का पूरा मानस है। लेकिन जहां गलत हो रहा है उसके लिए आगाह करना भी गलत नहीं है।
यदि हम वास्तव में भला चाहते हैं देश का, सरकार का, तो हमें गलत बात के लिए या जो कमियां हैं उनको उजागर करना पड़ेगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, राहुल गांधी ने बयान साफ दिया है और कहा है कि हम बहुत लंबे समय से चेता रहे हैं सरकार को, सरकार केवल झूठे आंकड़े पेश करके एक ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश करती रही देश को कि जिसमें ये कहा जाए कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। अभी तो चले कोरोना तो अब आया है, लेकिन स्थितियां बहुत खराब थी। कोरोना की वजह से इकोनॉमी और ऐसी पोजिशन में जाने वाली है कि जिसे हम इकोनॉमी सुनामी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये साफ कहा है राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला है संसद में, उन्होंने बोला है कि साहब मुझे डिफॉल्टर संसद के बाहर उन्होंने, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला है साहब डिफॉल्टर की लिस्ट चाहिए, तो क्या राहुल गांधी जी ने संसद में बोल के क्या लेना चाह रहे हैं? जबकि वो डिफॉल्टर की लिस्ट अगर आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डिफॉल्टर की लिस्ट मिल जाएगी, 50 डिफॉल्टर क्या जो भी 25 लाख से ऊपर के उसके डिफॉल्टर की आरबीआई ने लिस्ट ऑटोमेटिक मिलती है। लेकिन उन जो चीज बोल रहे हैं, और जहां तक आर्थिक की बात है, और हमारे मोदी जी ने इस पे कंटिन्यू फोकस रखा है। अभी आपके कल ही आरबीआई गवर्नर ने 1,00,000 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में डालने के लिए बोला। छोटा सवाल, मैं एक बार बीच में रोक रहा हूँ सर, मैं एक बात बताइए मुझे। देखिए, एक तो मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा, मैं बीजेपी के नेता कल भी ये बात कह रहे थे जब राहुल गांधी सवाल कर रहे थे, सर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, उसका पड़ताल के साथ मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान, हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार, खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार, हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति का तूफान हो या सत्ता के लिए बिछाई बिसात, सिनेमा की चकाचौंध हो या अपराध से अपराधियों तक की पकड़, सड़क से संसद तक मचा हो कोहराम, लेकिन नहीं हो रुकने का नाम, हर खबर से रखें आपको बाखबर। जन टीवी न्यूज, जन स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं दिल्ली का फैसला। दिल्ली का फैसला क्या, दिल्ली का फैसला सामने दिखाई दे रहा है और अब तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जब तस्वीर और साफ होगी तभी तक, अभी तक तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर दिल्ली होगी किसके। लेकिन रुझान के हिसाब से आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाती नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी एक बार फिर काफी कोशिशों के बावजूद भी 21 साल बाद वापसी करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का अभी दावा है, मनोज तिवारी ने कहा है कि अब थोड़ा वेट करिए, ये रुझान है और रुझान बदल भी सकते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए 12-1 बजे तक का। चलिए, हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए अशोक सिंह भाजपा से हैं, उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अभिषेक जैन बिट्टू आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ में, सभी का स्वागत है। उमेंद्र जी, रुझान जो सामने दिखाई दे रहे हैं इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? अभी 10:15 के आसपास हो चुके हैं, कुछ रिजल्ट जो सामने दिखाई दे रहा है कुछ फ्लक्चुएट कर सकता है या अभी माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी सरकार तो बनाई सकती है? बिल्कुल तय है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि केजरीवाल जी को बधाई दे दे तो कोई बुरी बात नहीं है, उनको बधाई दे देनी चाहिए। आज मंगलवार है, उन्होंने जो हनुमान चालीसा की वो उनकी काम आ गई, हनुमान जी के गए, हनुमान जी गए, तो आज मंगलवार का दिन उनके लिए चुप हो गया। अब यहाँ क्या है कि थोड़ी बहुत बधाई मैं बीजेपी को भी इसलिए देना चाहूंगा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, उसमें उनको जो 18 सीटें मिली है, पिछली बार उनकी 3 सीटें थी, 18 सीटें जो रुझान में बताई जा रही है अभी, तो ये मैं मानता हूँ इनके लिए भी एक खुशी की बात है कि जहां कहां इनकी 3 सीटें थी और ये अभी के जो रुझानों में 18 सीटें इनकी आती हुई दिख रही है, इससे लगता है कि थोड़ी बहुत इनको भी बधाई दे दी जानी चाहिए।
वोटिंग बढ़ी है, मतलब ये सीटें बढ़ रही हैं इनकी, तो एक विपक्ष की भूमिका में दिख सकते हैं। पहले तीन लोग थे, खुद को भी लगता होगा यार बोले क्या हम। बिल्कुल योगेंद्र जी, जब यदि विपक्ष कमजोर होता है तो अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। यहाँ अब ये लगने लगा है कि शायद दिल्ली में विपक्ष इस बार कमजोर नहीं होगा। हाँ, खास बात यह है कि कांग्रेस यहाँ खाता भी अब के भी खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का अभी ये कह नहीं सकते कि वोटर परसेंटेज क्या रहेगा, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से चुनावी समझौते की बात पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव के समय में भी हुई थी और इस दिन विधानसभा चुनाव में भी हुई, कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वो दिल्ली में सेकंड पार्टी बनके आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ अब ये बात यह कि कांग्रेस के सामने दिल्ली में एक अस्तित्व बचाने की एक सबसे बड़ी समस्या आ गई। हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें थोड़ा बहुत कांग्रेस की स्थिति। मैं चले लौटूंगा आपके पास में एक बार अभिषेक को बधाई दे देते हैं। अभिषेक, रुझान के हिसाब से तो आपको बधाई दी जा सकती है, लेकिन क्या मानेंगे दोनों तरफ देख रहे थे कि बीजेपी अगर यही कुछ रिजल्ट रहते हैं तो संतुष्टि रहेगी, हम 3 से 17 पर 15 पर 20 जो भी सीटें आएंगी, और आप लोग ये कहेंगे कि इतना राष्ट्रवाद या छदम राष्ट्रवाद जिसका जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी ने किया प्रचार और उसके बावजूद भी हम स्टैंड करके 50 क्रॉस करके आ गए तो हमारे लिए खुशी की बात है, या कुछ अभी आपको है उम्मीद जैसे 53 कभी 52 हो रही है, 50 प्लस मैं मान सकता हूँ अभी का रुझान के हिसाब से, तो क्या रिएक्शन रहेगा? सर रिएक्शन तो कुछ नहीं है, रिएक्शन देखने को तो आप देख ही रहोगे। अभी जो प्रेजेंट में जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया अभी पिछले 15 दिनों के अंदर राष्ट्रवाद के मुद्दों पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर, और जो एंकर की राजनीति दिल्ली के अंदर, नफरत की राजनीति दिल्ली के अंदर फैलाने की कोशिश करी, उसको दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। आज दिल्ली की जनता के सामने एक विकल्प था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने डंके की चोट पर सीना ठोक कर एक ही बात बोली थी कि अगर मैंने काम किया है, अगर हमने काम किया है तो उसी मुद्दों पर आप हमें वोट दो, अन्यथा ना दे। अगर आपको लगता है कि काम नहीं किया है तो आप हमें वोट मत दो। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी ने काम किया, अरविंद केजरीवाल ने काम किया और उसी आधार पर उन्होंने वोट मांगे और उसी आधार पर पार्टी को वोट मिले। जी चले मैं लौटूंगा, अशोक सिंह हमारे साथ में भाजपा से। अशोक जी, क्या माना जाए ये अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके लिहाज से तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय माना जा सकता है और कहा भी जा सकता है, क्योंकि ईवीएम का टाइम है, 1 घंटे बाद तो सारी पोजिशन क्लियर हो जाएगी। अभी जिस तरह से 50 प्लस चल रही आम आदमी पार्टी, ये काफी देर से स्टैंड की हुई है, एक सीट ऊपर नीचे हो रही, कभी 52 कभी 53 फिर 53 हो चुकी है, 17 आप लोगों के सामने आ रही है, तो इसे किस तरह से मानेंगे? अभी कहीं माना जा सकता है अभी कुछ भरोसा है कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था वो वोट अभी बाहर नहीं आए? देखो कि जिस प्रकार से दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं और ये प्रारंभिक जो रुझान है उसमें वास्तविक रूप में यदि आपके लिए पार्टी आगे चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछले के चुनावों में जो 2015 के चुनाव हुए थे उसमें से आगे अचीवमेंट किया है। जहां तक हम 2003 की हम बात करें तो 2003 में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 20 के लगभग सीटें मिली थी और 2008-09 के लगभग जो चुनाव हुए थे उसमें 23 के लगभग मिली और 2013 में 31 के लगभग सीटें मिली। जहां तक हम देखें कि 21 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर है और 15 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन वर्तमान में हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी यदि आपकी बी टीम बन के काम कर रही है और अपना वोट शेयर जो 9% था पिछली बार का और वो वोट शेयर को लेकर के इन्होंने आपका उसका 4.9 के बस भैया 4.5 रहा है वर्तमान में, अभी तक जो रुझान आए जिसके हिसाब से, तो हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया है आपको, आप अपने इन वोटों को शेयर करने का। फिर भी हमने पिछली जो 2015 में चुनाव हुए थे हमारा वोट परसेंट था उस प्रतिशत से हम 41 के लगभग आज वर्तमान में हमारा वोट शेयर चल रहा है, तो ये रुझान है प्रारंभिक है। रुझान के अलावा हम देखेंगे इससे और भी सीटें हमारी बढ़ती होगी और बढ़ेगी भी इसके अंदर, बाकी हम ये कह सकते हैं कि सरकार के अंदर हमारा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन प्रारंभिक रूप से हम देखेंगे तो हमारा जो पिछली बार से ज्यादा था। जहां तक राष्ट्रवाद की आपने कहा कि राष्ट्रवाद की बात आती है, मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद के लिए कोई भी पार्टी हो सबको करना चाहिए। आज कांग्रेस भी देखो राष्ट्रवाद के लिए कर रही है, आप भी कर रही है, ये बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, राइट करना भी ये बात है, लेकिन आपके पार्टी के नेता इन लोगों के राष्ट्रवाद को खारिज करते हैं। अभी अगर कोई अगर शाहीनबाग के धरने के लिए भी अगर कोई दो शब्द कह दे कि ठीक है भाई इनका डेमोक्रेटिक राइट है होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कहता है तो नहीं नहीं ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो इस चुनाव में ये काफी उछाल लगा इसे पोलराइज करने के लिए। मेरे ख्याल में देखिए वोट के लिए हमें तमाम चीजों को ताक पे नहीं रखना चाहिए, मतदाता है और विकास का एजेंडा होना चाहिए, जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि मेरा काम ये कर सकता है, तो वो भरोसा दिलाना पॉलिटिशियंस का काम है और वोट का आधार भी वही होना चाहिए। मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, कांग्रेस खाता खोलती भी नजर नहीं आ रही अभी तक, तो देखिए योगेंद्र जी खाता
खुलना नहीं खुलना एक अलग चीज है। दिल्ली का चुनाव का जो ट्रेंड था वो निश्चित तौर पर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी अपनी बात को दोहराऊंगा, एक नए ट्रेंड का वहां पर शुरुआत हुई है भारत के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो किस तरह के ट्रेंड की डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन देखिए जो अपेक्षा थी मुझे शुरुआती और अंतिम चरण के दौरान जो माहौल बना था उसके आधार पर शुरुआत में मेरा आकलन था कि आम आदमी पार्टी 45 प्लस रहेगी और 20 के लगभग शायद कांग्रेस और बाकी सीटें निर्दलीय और बीजेपी के पास जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं तो उससे ये एक नई सोच यहाँ पे डेवलप हो रही है कि भारत की जनता इस वक्त निश्चित तौर पर विकास के साथ चल रही है, लेकिन विकास के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी पसंद करने के लिए जनता पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि फाइनली मैंडेट किसको मिलता है। आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, तो इनके लिए भी ये अब सोचने का विषय है कि हमें विकास के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी अहमियत देनी होगी। जी, तो ये सभी के लिए कही जा सकते हैं। उमेंद्र जी, मैं एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, देश की जनता का एक ट्रेंड बदल रहा है। बिल्कुल, ट्रेंड ये बदल रहा है कि राष्ट्र स्तर पे तो वो तय करती है कि कौन मजबूती के साथ में आगे बढ़ सकता है, उसको ध्यान रखती है, और स्टेट में उस मुद्दे को खारिज कर देती है। ये मैं पिछले कुछ चुनाव से देख रहा हूं। बिल्कुल सही। बीजेपी, क्योंकि देखिए 74% भूभाग पे भारत के पे काबिज हो चुकी थी, लेकिन अब 35% रह गई। यहां एक बार के लिए बीजेपी कह सकते हैं कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं था, हमने कोशिश की, मेहनत की, हमारा राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट के इलेक्शन में जब 7 सीट बीजेपी की झोली में चली जाती हैं और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है, यानी कि 65 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी 70 में से पार्लियामेंट इलेक्शन में हाल ही में 2019 में। और अभी जब फरवरी में इलेक्शन होते हैं वहां के स्टेट के, तो क्लीन स्वीप ही कहूंगा मैं तो, एक तरह से जब 50+ जा रही हैं तो सीटें चली जाती हैं आम आदमी पार्टी के पास में। इसमें योगेंद्र जी हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय मुद्दे भी कुछ हावी हुए हैं जी, और ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कहीं कहीं पे क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़ी है जी, कई राज्यों में बड़ी है। आप देखिए यहाँ मैं कह सकता आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है और उसकी भी एक भूमिका बड़ी है। हालांकि ठीक है पंजाब में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में इतनी जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी वैसे उनको सफलता नहीं मिली। दिल्ली में पहली बार में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना इन लोगों के लिए काफी बड़ी बात कही जा सकती है। योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में 3 चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े और तीनों में इनकी स्थिति बहुत अच्छी रही है। यानी 2013 में इन्होंने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई, यानी जनता ने ये मान लिया कि वहां दिल्ली में यदि विकास की बात करनी है, दिल्ली में यदि स्थानीय प्रशासन देना है तो आम आदमी पार्टी को देना है, और देश की बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी। यानी दिल्ली में जनता, दिल्ली की देखो जनता बहुत बुद्धिजीवी है, वहां पढ़े लिखे लोगों की अच्छी संख्या है। बुद्धिमत्ता तो देखिए सभी जगह का वोटर है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन वोट डालना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी है इसलिए मैं उनको लोगों की ज्यादा बात करना चाहूंगा। इसलिए वहां ये देखा है कि वहां लोकसभा चुनाव में अलग स्थिति होती है, निकाय चुनाव में अलग स्थिति होती है और विधानसभा चुनाव में अलग स्थिति होती है। यानी वहां का मतदाता ये देखता है कि उनको कहां पे प्रकार की किसकी उपयोगिता है, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखी और मतदान किया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए दिल्ली में जब भी इन्होंने आज शीला दीक्षित की भी वहां बहुत बड़ी कमी खल रही है, कांग्रेस ने पहले दिन से ही मान लिया कि वो शायद इस मुकाबले में कहीं है नहीं। उनके जो पूर्व अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनाव में आए ही नहीं। यानी कुल मिला के कांग्रेस ने सीधा सीधा मान लिया कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में होना है, और उसका उनको मतदाताओं ने ये भी देखा कि जब कांग्रेस है ही नहीं तो जो कांग्रेस का वोट था वो भी आम आदमी पार्टी के, किसका शिफ्ट ये हो सकता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर बीजेपी को रोक रहे हैं, जैसे कई मुद्दे ऐसे रहे कि बीजेपी को वोट नहीं डालना, तो बीजेपी के टक्कर में कौन कैंडिडेट है। जब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी है तो आपका कहना है कि वो शेयर जो वोट जो था वो शिफ्ट हो गया, कांग्रेस वाला वोट शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी। तो ये कहा जा सकता है, पिछली बार भी यही बात सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी के खाते में कांग्रेस का जो माइनोरिटीज और प्लस स्लम एरिया का जो वोटर था वो शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो बीजेपी को रोकना चाह रहा था। बीजेपी राष्ट्रवाद के साथ में जो एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चल रही थी उसको रोकने के लिए कोशिश की गई, तो ये वोट शिफ्ट हो रहा है। अब ये अगर वोट बीजेपी आम आदमी पार्टी अगर मेंटेन कर पाती है तो कांग्रेस के लिए ये कहा जा सकता है कि दिल्ली राज्य में खतरे की घंटी बज चुकी है। एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये लगा था कि आम आदमी पार्टी से निकल के हम कांग्रेस में जाएंगे तो हमें फायदा होगा, अलका लामा का उदाहरण हमारे सामने, इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के पोते
वो आम आदमी पार्टी से पिछली बार विधायक थे, अब की उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस से टिकट लिया, यानी इन लोगों की जो कई लोगों ने लगा था कि भाई हो सकता है कि जो लाठी की बात चली है, जनता पीटेगी, वो बातें जो चली है उसका कहीं कहीं लाभ मिल सकता है। यानी कुल मिला के दिल्ली की जनता ने दो ही पार्टियों को चुना है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, उन्होंने बाकी दलों की स्थिति को बिल्कुल ही नकार दिया है। बिल्कुल, एक बात और यहां कहनी पड़ेगी अशोक जी, यहां मुद्दे के आधार की अगर हम बात करें तो मुद्दा रहा बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद के नाम पे आर्टिकल 370 का इश्यू हो, चाहे फिर राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा सिरे नहीं चढ़ पाया, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे में किसी ने भी ये नहीं कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर रिएक्शन ऐसा नहीं था। जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे सोनिया गांधी हो, एक ही बात कही कि बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वर्षों से चला हुआ मुद्दा अगर सोल्व होता है तो देश के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। तो मुद्दा आई थिंक को सोल्व इसके बाद में कोई बसता नहीं है, कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनने दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उछाला। आर्टिकल 370 आपने किया, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के भी चर्चा की गई, तमाम जो पहलू हैं, लेकिन वहां अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी विचलित नहीं, और उनका एक ही एजेंडा रहा कि मैंने काम किया तो आप वोट दीजिए। तो ये भी एक एजेंडा मायने रखता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो काम किया, आप कह रहे हैं कि राष्ट्र लेवल पे हमने काम किया उसको एक आधार बनाया, लेकिन दिल्ली की जनता या झारखंड की जनता या मध्य प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, वे चाहते हैं कि राष्ट्र के साथ साथ हमारे लोकल इश्यूज भी होने चाहिए, जो आई थिंक बीजेपी उससे चूक गई कहीं ना कहीं। नहीं, किसी भी प्रकार से आप देखेंगे, अमित शाह जी का देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए, जेपी नड्डा जी का देख लीजिए, आप यदि उनका एड्रेस यदि रैली के दौरान होता है तो उस रैली के दौरान में चाहे वो एक घंटे बोल रहे हैं, चाहे 30 मिनट बोला या 45 मिनट बोला, उन्होंने अधिकतर सारे इश्यू को छूने की कोशिश करी है। जो वर्तमान में कोई इश्यू चलते हैं उसकी आप देख लीजिए, सीए के बारे में आप चल रहा था, मेरे पास तो आवाज ही नहीं आ रही, सड़कें बंद, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम कोरोना, उसके साइड इफेक्ट और इंडियन इकोनॉमी, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर पंकज गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, बड़ी चिंता की बात है ऐसे वक्त पे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोरोना, और कोरोना पे हम गुजारिश भी करेंगे, हालांकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं कोई बात है, सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई भी दे रहे हैं, और कोशिश भी यही करनी चाहिए, सरकारों को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कहूंगा एक आपदा है, ये तो एक तरह की, इससे मिलकर के ही मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बात इकोनॉमी की आती है, इकोनॉमी दुनिया में पहले से मंदी और इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो कुछ व्यापार जगत में चर्चा है कि सरकार से कुछ उम्मीदें की जा रही हैं कि हम भी मुकाबला कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हमारी ये भी अपेक्षा है। देखिए, एक्चुअल में कुछ राहत पैकेज कुछ इस तरह से आना चाहिए सरकार की तरफ से, जैसे अजय जी ने बोला, जिससे इकोनॉमी में कुछ सुधार हो। और ठीक है, आप व्यापारी से उम्मीद करते हैं कि वो 15-20 दिन के लिए या महीने भर के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दे, ठीक है, पब्लिक गैदरिंग नहीं हो, परचेजिंग नहीं हो, ये भी सब एक जगह जायज है, क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं इस बीमारी से या इस वायरस से लड़ना काफी मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी MSME है या वो व्यापारी जो रोजाना की रोजी रोटी से, क्योंकि व्यापार का मतलब बड़ा व्यापारी या इंडस्ट्रीज या उद्योग धंधे नहीं है, वो भी व्यापारी है जो छोटे छोटे व्यापार लेकर के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सबके लिए एक ऐसा राहत पैकेज कि उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें सरकार की तरफ से आनी चाहिए जिससे उनको भी राहत मिले।
कोई ऐसा पैकेज, और जैसा भी अजय जी ने ब्याज के लिए बोला वो कहीं माफ हो जाना चाहिए, या एक दो, या तो माफ हो जाए या माफ नहीं हो सकता तो कम से कम उसको एक्सटेंड किया जाए। मिनिमम बिल जिन जिन भी जगहों से सरकार की तरफ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वाटर बिल जो मिनिमम बिल है, टेलीफोन बिल, कहीं ना कहीं एक या दो महीने के लिए वो या तो माफ ही हो जाए क्योंकि उनका यूज ही या उपयोग ही नहीं होगा तो माफ ही हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारी सब्सिडीज या बहुत सारे लोन्स जो हैं, बहुत सारी और भी चीजें, कहीं ना कहीं कोई राहत पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आना चाहिए व्यापार पे एक बार, क्योंकि ये अभी कुछ इसका इम्पैक्ट का एक बार कहीं ना कहीं जायजा लेना भी बड़ा मुश्किल है कि इसका इम्पैक्ट अभी आएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है, लगभग महीने भर में इसका टोटल एक ओवरऑल इम्पैक्ट निकल करके आएगा। तो व्यापार जगत सरकार से कहीं ना कहीं एक राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है, देखते हैं अभी किस तरह का क्या डिक्लेरेशन होता है इसमें। कहीं ना मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कुछ इस तरह की एक पॉलिसी बना करके लानी चाहिए, जिसको एक तरीके से या तो आपदा पॉलिसी की तरह से आप कहें या कोरोना से रिलेटेड ही कोई पॉलिसी ऐसी बनकर के आए, क्योंकि प्रतिष्ठानों को बंद करने से ही सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप सब कुछ बंद कर देते हैं तो लोगों के लिए रोजी रोटी और खाने पीने का ही संकट क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे दो तीन इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे मार्केट में बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां होती हैं, खासकर एक तो लोगों के संचय करने की बड़ी आदत होती है। लोग देखते हैं कि जैसे चाइना की स्टोरी जम पड़ रहे थे कि दाल लोगों के पास में खत्म हो गई, एक के पास में दाल है दूसरे के पास में आटा है, तो ऐसी स्थितियां मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान में, तो आप बिल्कुल परवाह मत करिए इस बात की, बिल्कुल भी फिक्र नहीं होनी चाहिए आपको कि इस तरह के हालात बनेंगे। दूसरा, मैं सरकारों से भी गुजारिश करना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से भी, कि लोगों को इस बात के लिए पाबंद करें कि अनाप शनाप रेट्स ना मांगे। मास्क जो ₹4 का मास्क आज उसे 50-50 रुपए लिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर क्वालिटी के साथ में भी, कोई किस तरह का बना रहा है, कोई किसी के तरह का बना रहा है, कोई साबुन डाल करके ही दे रहा है आपको, तो कम से कम ये ब्लैकमेलिंग आदमी पहले ही एक तो भय से व्याप्त है और उसके बाद में इस तरह की चीजों का सामना और करना पड़ रहा है। एक दूसरा, लोग अगर कहीं पे भी स्टॉक करते हैं, खासकर अगर दलहन का करते हैं, आटे का करते हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो मुझे लगता है कि कोरोना के साथ साथ आपको दूसरी जंग भी लड़नी पड़ेगी। एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होगी, क्योंकि लोगों को तो खाना ही पड़ेगा जब मार्केट में पैसा नहीं होगा, भगवान करे ऐसी स्थितियां ना बने, लेकिन अगर ऐसी स्थिति अगर बनती है तो सरकारों को पहले से ही इन चीजों को लेकर के भी चलना होगा। मैं एक बार सुरेश जी के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप ये भूलिए कि बीजेपी के एक नेता हैं, मैं आपके पास में ये जानना चाहता हूं, कभी ऐसी पोजिशन बनी है कि मार्केट में इस तरह की स्थितियां बन गई हो और उस दौरान व्यापारियों के लिए कुछ स्थितियां सामने आई हों कि सरकारों ने यह सहयोग किया है? नहीं किया तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करेंगे कि वास्तव में कोई व्यापारी अपने व्यापार के पैसे से किस चुकाता है। देखिए, मैं तो उस पोजीशन में वास्तव में क्या होना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछली बार भी एमएसएमई उद्योग को आरबीआई ने राहत दी थी, जो एनपीए नॉर्म्स थे वो 3 महीने के बाद में एनपीए नॉर्म्स थे उसको एक्सटेंड करके उनको 6 महीने का कर दिया था पिछली बार जैसे ही प्रॉब्लम आई। तो अब मुझे जो लगता है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से एमएसएमई उद्योग को, इंडस्ट्रीज को, इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और उद्योग धंधे शटडाउन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी और आरबीआई ही एनपीए नॉर्म्स को, जैसे आपका इंटरेस्ट का पार्ट है, उसको डेफर करने की कोशिश करेगी कि वो आने वाले टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए डेफर कर दिया जाए। ये एनपीए अगर करंट महीनों के अंदर वो एनपीए हो रहा है तो उसको एनपीए नहीं माना जाए, इस तरह का कुछ ना कुछ मेजर्स उठाएगी, जिस तरह की पिछले एक साल पहले भी इस तरह के मेजर्स उठाए थे कि एमएसएमई उद्योग को 3 महीने की जगह 6 महीने का या 8 महीने 12 महीने का उनको रिलैक्सेशन दिया था, तो उसी तरीके का आने वाले टाइम में रिलैक्सेशन 100% होगा। और अभी नहीं तो कुछ दिनों के अंदर आरबीआई, जिस तरह से आरबीआई ने कल घोषणाएं की है कि भाई हम 1,00,000 करोड़ रुपए बैंकों के अंदर डालेंगे जिससे कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आए, डॉलर फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए $2 अरब की खरीद फरीद करेंगे, इसी तरीके से बैंकों के अंदर समस्या, क्योंकि रिकवरी की पोजीशन नहीं होगी तो बैंकों के पास में लिक्विडिटी नहीं होगी, तो वो लॉन्ग टर्म लोन देने की भी आरबीआई सोच रही है कि हम लॉन्ग टर्म लोन भी देंगे। तो इस तरह के व्यापारियों के लिए, एमएसएमई उद्योग इंडस्ट्रीज के लिए भी आने वाले टाइम में कोई राहत पैकेज जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम व्यापारी को अकेला छोड़ देंगे उनकी समस्या से। देखिए, मेरा जो सवाल है इस वजह से आपसे सर, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं वर्तमान सरकार, सरकारें डायलॉग किसके साथ में करती हैं? जो बड़े क्लब्स के मेंबर हों, व्यापारी हैं जो बड़ी गाड़ी से आते हैं उनसे। सर, उसको नहीं मालूम है कि नीचे के व्यापारी किस परिस्थिति से जूझ रहा है उसके पास? ऐसा नहीं है, एक सेकंड में सर, ये बैठे रहे हैं, मैं पूछ लीजिए, बताइए सर, हमारे आता है
सीतारमन जी जब जयपुर आए, मैं आपको कह रहा हूँ अजय अग्रवाल साहब है, मैं सर पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ सर, सीतारमन जी जब जयपुर आई थी हर क्षेत्र के लोगों को, तो मैंने खुद ने मिलाया है, जब पिछली बार फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आई थी मैंने हर क्षेत्र के लोगों को मिलाया था। क्या बात है, उनके वेजर्स के हैं ये, क्या जो क्या हुआ, समस्या उनको सुनी गई है, वो सुनने का क्या होता है सर, समाधान किए हैं, बहुत समाधान किए हैं, बताएंगे अजय जी, बताएंगे पोजीशन सरकारों की स्थिति, अजय जी बताएंगे अभी अंडे कर रखे हैं, जो भी हमारा लोन लिया हुआ था ऐसा है कि तुरंत कम कर देती है हमारे से, देखिए वो ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, देखो वो उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम दे रखा है जो नॉर्म्स है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी जो कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम्स है उसके मेजर से जरूर आरबीआई उठाएगी और आपको रिलैक्सेशन देगी इंटरेस्ट के अंदर और आपकी जो इंस्टॉलमेंट से उसके उसके ऊपर रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, डेफिनेटली उस पर विचार किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर चीजों पर ध्यान दे रही है, और आप लोगों के आप लोग हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, और आपके बिल्कुल सही बात है, इसको ध्यान देंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे देश की है, पूरे बिल्कुल पूरे देश की समस्या है, और आपके जो इंटरेस्ट, और आपने एक बात जो खारिज की सर, जो मेरे सवाल की, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये बात कह रहे हैं ना कि मैं इसी मंच के ऊपर जो व्यापारी गए थे उन्होंने बताई अपनी पीड़ा कि साहब दिल्ली में हमको बुलाया गया और जाने के बाद में सुझाव तो कहां देते हैं कि हमें तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, और जो पहले से तय जो चेहरे थे हमें तो सेनेरियो बदल गया, वहां जाने के बाद में सिर्फ उनसे चर्चा की गई, उनको मालूम ही नहीं वो कह क्या रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। अजय जी आपके पास आना चाहूंगा, सरकारों की स्थितियां बताइए मेरे को, व्यापारी को सुना जाता है, व्यापारी की प्रॉब्लम के लिए जैसे कह रहे हैं कि निर्मला जी भी मिलके गई है, अमित शाह साहब भी आए थे, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, यहाँ पे एक सिस्की में एक होटल में व्यापारियों से भी मुलाकात की थी सर, मिलना नहीं है, मिलने का कोई शौक भी नहीं है किसी को, मैं तो कह रहा हूं कि उस उन चीजों पर इंपैक्ट कितना आ रहा है, कितना सुना जाने के बाद वो बाहर जैसी उम्मीदें की जाती हैं वो कितनी हो पाती है, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए गत कुछ समय से ये बात तो है कि कई व्यापारियों की सुनवाई के लिए बात दिया जा रहा है, उनको समय दिया जा रहा है, पहले हम ये नहीं कह सकते थे कि हम लोगों की हमने बहुत दुख करे, हम लोगों ने बहुत चिल्लाए जब तक हमारी तो कोई सुनवाई कुछ सालों तक अभी तक नहीं हुई, पिछले साल डेढ़ साल के अंदर हमारी सुनवाई के लिए हमको समय दिया गया। पर अगर आप देखा जाए जैसे अभी आपने थोड़े दिन थोड़ा टाइम पहले अपनी बात चल रही थी कि अगर रिजर्व बैंक ने 1,76,000 करोड़ का पैकेज दिया तो उसमें से 1,45,000 करोड़ रुपये सीधा कॉर्पोरेट जगत को चला गया, छोटे जगत छोटे अगर कहे व्यापार जिस जो मेन अपने कह सकते हैं रोजगार सृजन वाले थे उनके पास में कोई भी उसकी कह सकते पॉकेट या कुछ भी पैसा नहीं आया, साथ ही साथ जो उनके छोटे वाले जो भी प्रॉब्लम होती है जहां से बेसिक व्यापार उठते हैं या जहां से ट्रेड चलते हैं जहां पे 10-10 जनों को रोजगार देके अगर अपन एक शहर के अंदर 1,00,000 दुकानें होती है 10,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है, उन लोगों के ऊपर कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं गई, जो सुनवाई अगर करी गई है तो बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल के उनके लिए कहीं ना कहीं सुनवाई भी करी गई है और कहीं ना कहीं हो सकता है उनके लिए कुछ राहत की कोई बात चाहे टैक्स में करी गई है उनके लिए की गई है। लोन रिस्ट्रक्चर की जो बात आती है जो अभी बता रहे हैं उनमें पहले से कहते हैं कि 5 करोड़ के लोन का रिस्ट्रक्चर किया गया 10 करोड़ के लोन का रिस्ट्रक्चर किया, जो आदमी 50,00,000 रुपए लेके अपने पूंजी लेके अपना व्यापार कर रहा है, जो आदमी 1 करोड़ रुपए ले रहा है, जो 20,00,000 रुपए ले रहा है, जिसने अपने स्टॉक को लीन रख के गिरवी रख के अपने कर रखा है, उनके लिए अगर हम कहें अगर छोटे धरातल स्तर के ऊपर कोई बैंक में या कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी उम्मीदें जो है सरकारों से है सब जो स्टेट गवर्नमेंट से भी है कि जो हमारा टैक्सेशन वाली जो पार्ट होता है उनके अंदर जो लोकल टैक्सेज होते हैं चाहे वो यूडी टैक्स है चाहे हमारे हाउस टैक्स है चाहे हमारे दूसरे टैक्सेज हैं उनके अंदर हमारे को कुछ समय के लिए रिलीफ दी जाए। जैसे अभी बताया पंकज जी कह रहे हैं कि बिजली के बिलों के अंदर जो हमारे को जो कंजम्पशन हो रहा है उसका लिया जाए, हम उसके लिए नहीं कह सकते कि कंजम्पशन के ऊपर माफ किया जाए, पर जो कुछ टैक्सेज वगैरह उनके ऊपर लगते हैं उनमें से कहीं रिलैक्सेशन हो सकता है तो वो दिया जाए, साथ ही साथ जो हमारे बेसिक जो हम कहते हैं कि हमारे जो लोन है उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए, कुछ व्यापार के अंदर पूंजी लाने के लिए बैंकों के अंदर जैसे अभी दिया है अच्छा है स्वागत योग्य कदम है कि बैंकों के लिए पूंजी आएगी तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के पास तक आएगी, साथ में जो हमारे हम कह सकते हैं रेंट में लीज के अंदर और ब्याज के अंदर सेंट्रल स्टेट से भी कह सकते हैं इनमें कहीं ना कहीं हमको रिलीफ होनी चाहिए जो हम स्टेट और सेंट्रल दोनों सरकारों से उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं हम लोगों की सुनवाई होगी क्योंकि एक ऐसा समय है क्रूशल समय है इस समय के अंदर जो दोनों सरकारें हैं सब कुछ सोच समझ के निर्णय लेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। जी उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, देखिए व्यापारी है परेशान है इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले पूरे दुनियाव्यापी ये कहें कि विश्वव्यापी मंदी थी और अभी जो कोरोना है इसका कर्फ्यू कहूं एक तरह से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मॉल सूने पड़े हुए हैं, मॉल्स खोल नहीं सकते, आदेश हैं, होना भी चाहिए कि आपको जो डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन उसे फॉलो करना चाहिए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर्स जो कहें वो काम करना चाहिए, हम कहें कि कुछ नहीं होता मैं तो भगवान के पास में आया हूं भगवान सब देखेंगे, भगवान खुद भी चाहते हैं कि आप सिक्योर रहिए ठीक से रहिए, आप जब इसमें इस वायरस का
माना इसी तरह से जाता है कि संपर्क में आने से फैलता है, तो आप बचिए, बचने की कोशिश की जानी चाहिए। वही प्रयास सब लोग कर भी रहे हैं, लेकिन व्यापारी इस नाते देख रहा है कि मेरी किस्त का क्या होगा जो मेरे सिर पर कड़ी हुई है, तो इस ओर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, देखिए कोरोना वायरस के लिए हमें जो वार्निंग्स है, जो प्रिकॉशन है, जो सरकार द्वारा या चिकित्सा विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, आम जनता को भी जागरूक करना है और उसमें कहीं पर कोताही नहीं बरतनी है। लेकिन मूल बात यह है कि ये जो कोरोना वायरस है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी अपन इसको कह सकते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त दो तरह की महामारी फैल चुकी है। कोरोना वायरस स्टार्टिंग इसको बोले कि मैच्योर स्टेज पर है, तो आर्थिक महामारी जो हिंदुस्तान के अंदर है पिछले 6 साल के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, तो ये दोनों ही महामारियां केंद्र सरकार आप सुरेश जी को मजबूर कर रहे हो बोलने के लिए। आर्थिक महामारी, बिल्कुल आर्थिक महामारी, आपको बार बार कह रहे हैं, सुनते नहीं आप लोगों की समस्या क्या है, बार कह रहे हैं कि महामारी कैसे, उनको मैं पूछ रहा हूँ, चलिए आपको क्या लग रहा है कि महामारी हो रही है, आप लोगों की दी गई महामारी है उसको ठीक कर रहे हैं हम, आप लोगों ने जो आर्थिक मुद्दे पे महामारी दी है ना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने जो लूटा है ना हिंदुस्तान में 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ रुपए के लोन दे दिए ना, उनको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, महामारी आपने 6 साल के अंदर कोरोना की चाबी, मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप चीजों पर उनको उस महामारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, महामारी कोरोना कोरोना की बात करो, कोरोना के अंदर देखिए आप तो कोरोना के अंदर पूरा हिंदुस्तान साथ होना चाहिए, आप लोग मन मन खुश हो रहे हो कि अच्छा हुआ कोरोना आ गया, सबका हमारे देखो जी पूरा हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डे टू डे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोरोना पर सियासत मत करिए प्लीज, कोरोना पर सियासत मत करिए, प्रधानमंत्री मोदी की सारे देशों में मिट्टी हो रही है यार, आप कोरोना पर सियासत नहीं होनी चाहिए, कोरोना पर सबको मुकाबला करना चाहिए, कोरोना पे कितने सेफ्टी मेजर उठाए हुए उसमें तारीफ करनी चाहिए आपको, आप उसको आर्थिक मुद्दे पे लेके जा रहे हो, जो भी आपने महामारी जो आपने दी है उसमें मांग रहे हैं, राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ से ऊपर है, आप पूरे हिंदुस्तान को 700 करोड़ दे रहे हैं, नहीं 700 करोड़ कहाँ दे रहे हैं भाई, 700 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना पैसा दे रहे हैं सर, कोरोना भैया एक इनिशियल स्टेज में 7,500 करोड़ रुपए रिलीज किए इनिशियल स्टेज में, राजस्थान लेकिन जो जरूरत होगी आप डिमांड कर सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, केंद्र सरकार की बूते ने स्टेट गवर्नमेंट की भी सर सुने एक बार सुने, 10 साल की चीज 200 रुपए मांग रहे हैं, अरे सर नेगेटिव बहुत बढ़िया बात है, तारीफ कर सुने सर तारीफ कर रहे हैं, पड़ेगी आपको नहीं देखिए कोरोना के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रही है, इस पे आप लोग सियासत मत करिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, अशोक गहलोत हो चाहे नरेंद्र मोदी हो देखिए पूरी तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल सब लोग इसमें आप लोग राजनीति मत करिए, भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मेरा तो सवाल था मैंने गर्ग साहब से पूछा, मैं तो आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि व्यापारियों के प्रति सरकार की भी कुछ लायबिलिटीज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में भी, मैं तो वो जानना चाह रहा हूं, और दूसरा आप पार्टी के स्तर पे जरूर कहिए, मैं खुद भी अशोक गहलोत साहब को कहूंगा ये बात है कि स्टॉक्स और इन पे ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में ये आकार नहीं मचना चाहिए, नहीं तो उसको बहुत, हमारे यहाँ पे नमक 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो बिका है क्योंकि आप गणेश जी को दूध भी पिला देते हैं लोग, अफवाहों का दौर बहुत भयंकर चलता है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि कम से कम इन चीजों पे जरूर कंट्रोल करें, पूछा जाना चाहिए कि जो सैनिटाइजर आपके पास में सही है कि नहीं है, मास्क के रेट इतनी क्यों है, ये तमाम जो चीजें हैं इन पे तो कम से कम चर्चा करें, कोई भी बना रहा है कुछ भी बना करके नहीं है, समय स्थिति दूसरा व्यापारी भरोसा गवर्नमेंट ने ये चीज कहा ना, देखो अशोक गहलोत सरकार के अंदर स्टॉक का तो आप भूल ही जाइए कि कहीं पर कालाबाजारी होगी, क्योंकि जितने भी कालाबाजारी करने वाले हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, आप तो दूध के दिले हो, पिछले 50 सालों के गलत बात है, आपको बता गलत बात उल्टा लगा दिया, सारे भ्रष्टाचार के अंदर पूरे कांग्रेस वाले भरे हुए और फिर आप देखिए उपेंद्र जी आपको भ्रष्टाचार है, उपेंद्र जी आप उपेंद्र कहां भ्रष्टाचार है,
उपेंद्र जी मैं आप लोगों से ये तो उम्मीद करूंगा, हर बात के अंदर देखिए राजनीति मत करिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई वो नहीं है। हम सब लोगों को देखे अगर कहीं कुछ दिख रहा तो रोका जाना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं आप? सर बीजेपी को क्यों बोलिए ना, बीजेपी को रोकने आप बता रहे हैं, वो प्रोटेक्शन नहीं है, नहीं तो कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो आप हाई रेट में क्यों बेच रहे हैं? जो आपकी जो रेट है सर, बीजेपी की चीज को 200 रुपए क्यों बेचा जा रहा है? 200 रुपए की चीज को 200 रुपए क्यों बेचा जा रहा है? जो कीमत है बीजेपी कीमत होती थी उस रुपए क्यों सर्वदलीय बैठक हुई है। गुलाब चंद कटारिया, कालीचंद सराफ उस बैठक में मौजूद थे, हमसे बातचीत की उन्होंने। तमाम राजनीतिक दल अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, विधानसभा में इस बात का भरोसा दिलाया कोरोना को लेकर के, लेकिन कम से कम चाहे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, एटलीस्ट इसमें राजनीति मत घुसाइए। ये तो देखिए ये जिस तरह का वायरस फैल रहा है, ये राजनीति का जहर काबू में नहीं आएगा, इससे भ्रम की स्थितियां बनेंगी। इसमें तो एक ही बात कही है कि कोरोना का मतलब हम सब लोगों को मिलकर के मुकाबला करना है। मैं स्टेट गवर्नमेंट का आपको जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, हमारे साथ जो व्यापारी वर्ग से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों की कुछ चिंताएं केंद्र से नहीं राज्य सरकार से भी है, उन्हें दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है। सर उपेंद्र जी आप उस पर बताइए। मैं वही बता रहा हूं सर कि देखिए मेडिसिन का जितना भी प्रोडक्शन है, चाहे मास्क है या सैनिटाइजेशन है, इनका उत्पादन कहां हो रहा है? गुजरात में इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है। तो गुजरात में किसकी सरकार है? सर ये बात नहीं है, देखिए आप ऐसे मत जुड़े सरकार से। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जब आपका उत्पादन वहां पर है तो आप वहां से कंट्रोल कीजिए कि वो इस प्रकार की रेट वहां से, आपको मैं प्रमाण दे दूं इसका। क्या आप झूठ बोल रहे हो? आप अगर मान लो आप यहाँ पे मेडिकल स्टोर बोल रहे हैं, अरे मेडिकल स्टोर 10 रुपए की चीज को 200 रुपए देते, वहां से ब्लैक नहीं भैया, वो यहीं पे बेच रहा है, वहां से कोई ब्लैक नहीं हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में भी खूब है, क्यों नहीं हो रही है? सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। क्या बात कर रहे हो भैया? नहीं नहीं, मास्क जयपुर में बन रहे हैं, बन रहे हैं, अलवर में बन रहे हैं, बहुत सारी जगह बन रहे हैं, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को दोष मत देना। कैसे बन रहे हैं? आप ऐसा नहीं बात करो, हिंदुस्तान में राजस्थान में बात करो, अगर वो हाई रेट में दे रहे हो आप सब्सिडी दो। चले मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा, मैं पंकज गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। जी पंकज जी बताइए। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये जो महामारी है इस टाइम पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, मैं एक्चुअल में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आज तक का सब कुछ सिस्टम रहा है और जिस तरह से भी वो आपदाओं से लड़ते हैं उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि अब तक ना तो हड़बड़ी फैली, ना लोगों के बीच में कहीं घबराहट का साइन है, और राजस्थान के अंदर जो भी मरीज एसएमएस में एडमिट हुए वो कहीं ना कहीं ठीक होकर के निकले। पर फिर भी कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, जैसे ही कोई आपदा फैलती है तो उसके जो बेसिक प्रिकॉशनरी जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे हम बात करें सैनिटाइजर की, मास्क की, जो हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत को कंट्रोल करने की जरूरत है। वो चीज नकली ना आए, वो चीज सही क्वालिटी में आए, पता चले हमने सैनिटाइजर को हाथ में लगाया लेकिन वो साबुन का घोल या पानी था, कहीं वो ना हो उन चीजों के तो साथ। क्योंकि आम आदमी जब किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी दुकान से दवाई खरीदता है तो ये मान के चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी उस चीज पर वॉच और या मेजर्स या चीजें रख करके उसको निकाला गया है, तो वो सब ना हो। क्योंकि इस समय जितने भी सैनिटाइजर आ रहे हैं, मैं मान के चलता हूं 80% में अभी तक दुकानों पर देख के आया हूं, मैंने खुद ने भी परचेज किया। अब यहां पर आने के बाद में मुझे लगा कि बात सही है, ना तो उस पर कहीं एमआरपी का लेबल है, ना उस पे कंपनी का नाम, बस वो कंपलसरी कर दिया। नहीं सर, आजकल कंपलसरी कर दिया एमआरपी, बहुत सारी जगह एमआरपी, ये एमआरपी आप कंपलसरी कर दिया जब से ये चीज पता लगी है ना, इसके बाद एमआरपी कंपलसरी कर दिया। जवाब दूंगा, आप आज की तारीख में मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप कई छोटे सैनिटाइजर गायब हो गए हैं, बड़े सैनिटाइजर की बोतलें, छोटे सैनिटाइजर जितने भी मिल रहे हैं कहीं ना कहीं उसपे गोलमाल है। मैं मतलब इस मंच के माध्यम से कहूंगा कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि एकदम से हड़बड़ी फैलेगी अगर एक आज की तारीख में 2-4-5 दिन में इसके मरीज बढ़े या कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हुई तो एकदम से जो हड़बड़ी फैलेगी उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को घर में पैक करके नहीं रख सकते, वो 100% निकलेंगे, आवश्यक वस्तुओं की परचेजिंग भी होगी, सब कुछ होगा, पर एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय ये जो आपदा है इससे मिलने की बात की, इससे मुकाबला कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए, इस पे काम होना चाहिए। हम इकोनॉमी में जो भी कुछ हो रहा है वो होता रहेगा, चीजें जो है वो धीरे धीरे अपने हिसाब से ठीक होंगी, जो नुकसान हो चुका आज तक वो नुकसान हो चुका, हमें उसको ठीक करने के उपायों की तरफ जाना होगा। इस चीज पे एकदम से हड़बड़ाहट नहीं हो, क्योंकि जैसे ही ये बीमारी थोड़ा सा और थोड़ा बहुत फैलेगी, कुछ भगवान ना करे कैजुअलिटीज हो, लेकिन अगर इस तरह की कुछ और हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं कहीं ना कहीं, तो एकदम से उन सब चीजों से निपटने के लिए राज्य सरकार को उपाय पहले ही रखने होंगे, क्योंकि अब इस समय थोड़ी सी मैच्योर स्टेज पे ये प्रॉब्लम,
आज से थोड़े दिनों पहले तक हमें जो भी कुछ उपाय नहीं पता थे, अब हमें उपाय भी कहीं ना कहीं पता है। चिकित्सकों का ये कहना है कि आगामी 15 दिन जो है अभी राजस्थान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग डेज हैं और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे यही कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये किसी का दिया हुआ नहीं है, ये एक आया हुआ वायरस है जिसे मुकाबला ही हम कर सकते हैं, लेकिन सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में व्यापारियों के अगर मॉल्स बंद होंगे, उनकी दुकान बंद होंगी, तो उस पोजीशन में वास्तव में उनकी किस्तों का क्या होगा। कुछ इस तरह सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए कि उनको कुछ राहत मिल सके, एक भरोसा मिल सके कि आपकी मार्च की किस्त आप मई में जमा करा सकते हैं, इस दौरान आप पे किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं होगी। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी ओर फिर मैं कहूंगा कि सियासत नहीं हो, कालाबाजारी पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ तो आप इससे परेशान हैं, धंधे चौपट हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपको छोटी छोटी चीजों के लिए जूझना पड़ रहा है, मेडिसिन के लिए ये कहकर के कालाबाजारी की जाए कि इसकी किल्लत है, सब आ नहीं रही है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। ये एक ऐसी पोजिशन में आता है आदमी दवाई लेने के लिए कि उसके पास में कोई चारा नहीं, उसको दवा लेनी है, या तो अगर कहीं कोई कंप्लेन आती है तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये कुछ इस तरह के सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे मैंने कहा कि स्टॉक का बड़ा मामला होता है कि स्टॉक करके और किसी भी चीज के आसमान में रेट पहुंचा देते हैं, उन तमाम चीजों से भी एक सरकार को बीच बीच में इसकी जांच करनी चाहिए। कुछ ऐसी अथॉरिटीज जो बनी हुई हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो मार्केट में जाएं, चर्चा करें, पब्लिक के बीच जाएं, इस तरह की चीजों का सामना तो आपको नहीं करना पड़ रहा है। योगेंद्र जी, मैं भी रखना चाहूंगा जी। मैं कह रहा हूँ हम लोग व्यापारिक संगठन भी, हम हमारे व्यापारियों को ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए, ऐसे समय में आगे बढ़ के करना चाहिए, कालाबाजारी या स्टॉक रखने की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहिए। हमारी तरफ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यापार जगत के अंदर चीजों के लिए बेहतर है कि ऐसे टाइम पर अपने को आगे बढ़ के करना चाहिए, जो चीजों की बल्कि स्केर्सिटी है उनके अंदर कहीं से भी लाके उनको उपलब्ध कराएं, और कोई भी चीजें एमआरपी या उससे ऊपर के लेवल पे। तो व्यापारी वर्ग मिलावट पे तो ध्यान देना है कि मतलब आप लोगों का जो संगठन है वो संगठन उस मिलावट के ऊपर भी तो कुछ कार्यवाही कर रहा है, तमाम चीजों के लिए, तमाम चीजों के लिए क्या है, हर चीज के अंदर मिलावट आ रही है, उसमें व्यापारी इन्वॉल्व है, तो व्यापारी आपका जो संगठन है उस पर विशेष तौर से ध्यान दे। आजकल आपको भरोसा भी दिला रहे हैं सरकार भी, लेकिन व्यापारियों को भरोसा जरूर दिला है कि आप चिंता मत करें, हम भी आपके साथ खड़े हैं इस पोजीशन में। मुझे लगता है कि एक दो चीजें हैं कि एक तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकारों को जनता के साथ और जनता सरकार के साथ खड़ी हो तो मुझे लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे और जंग जरूर जीत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।